सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हॉर्न हार्नेस के लिए एक रिले सबसे ज़्यादा मशहूर है, जो कि 3-पिन हॉर्न रिले है। वो बिल्कुल ही मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसके भी वो वायर आयर खुले रहते हैं क्लिपें, और उसको कहीं से भी शॉर्ट सर्किट या टच होने की उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम बनी रहती है, या फिर उसमें जो वायरिंग हम करते हैं उसमें तार हमें कट करना पड़ता है, तो उसकी वजह से वायरिंग भी हमारी कट जाती है और घंटी भी गाड़ी की ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, उसी के लिए मैं एक सबसे बढ़िया रिले आपके लिए लाया हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि किस तरह से इसको लगाना है। बाकी उसमें वायरिंग एकदम सिंपल रहती है 3-पिन हॉर्न रिले में, लेकिन जो इसमें 4-पिन हॉर्न रिले जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसकी वायरिंग भी थोड़ी हार्ड होती है, मगर इतनी भी हार्ड नहीं होती जो कि आप ना समझ पाएँ। तो मैं यही इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको वाला रिले की वायरिंग किस तरह से करनी है। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखते रहिएगा, वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल है। अगर वीडियो चैनल पहली बार आए तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों, उससे तो नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी आप तक सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हॉर्न अगर एक लगा होता है अब हमें गाड़ी में, तो उसमें हम दो लगाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हॉर्न हम लेते हैं तो सेट ही आता है। तो उसमें इस तरह से एक वायरिंग भी आती है क्लिप, अगर नहीं आती तो अलग से बाहर से परचेज़ कर सकते हैं। तो इसकी वायरिंग हम कर लेते हैं, बाकी सिंपल है इसकी वायरिंग। हम हॉर्न जब लगाएंगे तो इसकी यही क्लिपें दो होती हैं, 4 क्लिपें, 2 क्लिप हमें इस फर्स्ट हॉर्न पर लगा देना है, और जो सेकेंड वाली दो क्लिपें हैं उसमें हमें ये सेकेंड हॉर्न वाले पर इसमें दोनों में प्लग इन कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। और क्लिप ये लूज़ बिल्कुल ना रहे, बढ़िया अच्छे से परफेक्ट बैठे, तभी हॉर्न एकदम सही बजेगा, नहीं तो लूज़ रहेगा तो वहाँ से हॉर्न सही बजेगा नहीं। और ये जो हमारी दो वायर हमारे बच निकले हुए हैं इसके, ये जो हमें सप्लाई वाले हैं, तो हमें इसके किस तरह से वायरिंग करनी है मैं आपको डिटेल में समझा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमारी कंपनी की वायरिंग जो आती है जिसमें दो हॉर्न लगे होते हैं, हॉर्न में जो क्लिप लगी होती है, कुछ इस तरह से आप सपोज़ कीजिए, दो वायर होते हैं, तो इन दोनों, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव, किसी किसी में पॉजिटिव परमानेंट आता है और किसी किसी में नेगेटिव परमानेंट आता है, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। बाकी कोई ज़्यादा टफ नहीं है, मैं सिंपली आपको समझा दे रहा हूँ। इसमें जो आप नंबर देख सकते हैं, जो बीच वाले दो हैं 85 और 86, ये है हमारा स्विच वाला, मतलब इसमें सप्लाई देंगे तो हमारा स्विच काम करेगा, ये कॉइल वाला वायरिंग है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 85 और 86, इसमें दोनों डिटेल में लिखा हुआ है इसके दोनों क्लिपों में, बाकी 4 क्लिप हैं, और ये आप ऐसे भी सिंपल समझ सकते हैं। बाकी जो हमारी ये 2 क्लिप हैं, 2 पतली होंगी जिसमें हमें कॉइल वाली लगानी है, 2 क्लिप ये पतली होंगी, और जो ऊपर वाली हैं वो मोटी होंगी, मतलब थोड़ी चौड़ी होंगी इस तरह। ये देखिए, ये पतली है और ये चौड़ी हैं। ये जो पतली वाली में, इसमें हमें जो कंपनी से जो 2 वायरिंग आई होती हैं हॉर्न वाली, उन दोनों को हमें इसी में ही कनेक्शन कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरह से इसमें कनेक्शन कर देना है, एक दूसरा वाला वायर इसमें कनेक्ट कर देना है। और इस पर ध्यान रखें, क्योंकि कंपनी वाले में ग्रिप लगी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आप शॉर्ट सर्किट ना अगर ना हो तो उसमें आप टेपिंग भी कर सकते हैं। और ये जो हमारा 30 नंबर वाला है, जो दो ही बचे हैं, सिंपल आप नंबर देखें चाहे ना देखें, इन दोनों में से किसी में भी हॉर्न का एक वायर हमको इसमें जोड़ देना है, जिससे हॉर्न को सप्लाई मिल सके। और जो हॉर्न का हमारा एक वायर जो हमारा बचा हुआ है, ठीक है, जो हॉर्न की वायरिंग का है जो ये वाला वायर, इसको हमें क्या करना है, ये ग्राउंड वाला वायर है समझ लीजिए, इसको ग्राउंड पर ही लगाना है। ग्राउंड मतलब जो आपकी बॉडी है जिसमें अर्थ चलता है, निगेटिव वाला करंट चलता है, वहाँ लगा देना है, या फिर आपको जहाँ पर हॉर्न इसको टाइट करना है, माउंट करना है, सिंपली आप उसी पर ही इसको अटैच कर दीजिए, ताकि उसको अर्थ मिलती रहे, बस उसका केवल इतना ही काम है। और बाकी जो हमारा एक वायर बचा हुआ है रिले का, उसमें हमें एक पॉजिटिव वाला सप्लाई देनी है, तो बहुत इस तरह से हमें एक कनेक्टर ले लेना है, नहीं तो आपको एक क्लिप मिल जाएगी, उसमें वायर जोड़ करके आपको एक इसमें अटैच कर देना है इस वाले को। और इस बहुत लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली एक बैटरी से तार डाल देते हैं और बैटरी से अटैच कर देते हैं, तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप बैटरी अगर मैं अगर डालते भी हैं तो उसमें आप रिले जरूर सॉरी उसमें आप एक फ्यूज ज़रूर लगाएं, ताकि वो जो तार पड़ा होता है उसमें शॉर्ट सर्किट होने का खतरा ना रहे, अगर होए भी तो आपका केवल सिंपल फ्यूज उड़ जाए, बाकी कोई प्रॉब्लम ना होएगी। तो चलिए, हम इसमें बैटरी बिल्कुल नहीं देते हैं, क्योंकि जो वायर पड़ा होता है वो काफ़ी भद्दा लगता है, अलग से ख़राब लगता है, तो हम सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम सिंपली हमें इसमें जो प्लस वाला है आपको चेक कर लेना है कौन सा है पॉजिटिव वाला, उसमें हमें इसमें सप्लाई दे देनी है,
ठीक है, अभी कुछ इस तरह से इसके कनेक्शन मैंने तो इसमें सिंपली ऐसे लगा दिया है, बाकी आप उसमें वायर में जोड़ सकते हैं अच्छे तरीके से। और जो हमारा ये पूरा कम्प्लीटली वायरिंग रिले है, इसको आप कहीं पर भी माउंट कर दीजिए। अब मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ, ये जो वायर हमारे लगे हैं ये कंपनी वाले पतले वाले में लग जाएंगे, और एक वायर हमारा डिले में हॉर्न वाला लग जाएगा, और जो एक हॉर्न का बचा है वो हमारे इसमें ग्राउंड में लग जाएगा, और एक जो हमारा है वो हमें पॉजिटिव वाली सप्लाई दे देनी है। कुछ इस तरह से दोस्तों इसके सिंपली वायरिंग है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। बाकी जो 3 पिन वाली होता है उसमें बहुत ही ख़राब लगता है, उसके वायर भी 3 पॉइंट निकले होते हैं, उसमें शॉर्ट सर्किट का भी खतरा ज़्यादा बना रहता है, उसमें वायर भी आपको कंपनी वाली जो क्लिप होती है उसको काटनी पड़ती, इसमें बिल्कुल भी आपको कट पिट नहीं करना पड़ेगा गाड़ी के वायरिंग आयरिंग से। दोस्तों ये चीज़ हमें इस रिले की बहुत ही बेनिफिट लगी, और ये रिले लॉन्ग टाइम भी चलता है, और सिंपली आप इसको बहुत ही आसानी से चेंज भी कर सकते हैं, उसमें आपको स्क्रू ड्राइवर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, मगर इसमें आप सिंपली आप कपलर टू कपलर चेंज कर सकते हैं। बाकी जो ग्राउंड वाला वायर इसमें कोई काम नहीं होता, केवल इसको डायरेक्टली यहाँ से अर्थ मिलती है, तो इस वजह इसको सप्लाई ज़्यादा मिलती है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आए, अगर कोई भी सुझाव हो तो या फिर आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लें, उससे इसी तरह की रोज़ रोज़ाना वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं।